पति पत्नियों में विवाद होता है तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं और इनको समझाइश देने लग जाते हैं। यदि आपके घर पर भी ऐसी विवाद की स्थिति बन रही है तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्रिस्टल थेरेपिस्ट और टैरो कार्ड रीडर द्वारा इन विवादों को सुलझाने के लिए कुछ उपाय बताए जाते हैं। इन उपाय को आप भी अपने घर पर कर सकते हैं। बहुत ही कम खर्चे में यह उपाय घर पर हो जाते हैं। इससे पति पत्नी में होने वाले विवाद दूर होते हैं और दोनों में प्रेम की भावना बढ़ने लगती है। टैरो कार्ड रीडर क्रिस्टल थेरेपिस्ट सिद्धि बरोले के अनुसार उनका कहना है कि यदि आप पति पत्नी में आपके घर में अक्सर विवाद होता रहता है तो आप इन विवादों से छुटकारा पाने के लिए इन उपायों को कर सकते हैं। आपको उपाय के लिए सबसे पहले कांच का बाउल लेना है जिसमें सेंधा नमक के दो टुकड़े उसमें डाल देना है और उस बाउल को आपके बेडरूम की दक्षिण पश्चिम दिशा के कॉर्नर पर रखना है। आपको 10 दिनों तक इसे रखना है जिसके बाद बदलते रहना है। 51 दिन तक आप यह उपाय कर सकते हैं। यह खबर क्रिस्टल थेरेपिस्ट टैरो कार्ड रीडर सिद्धि बरोले के अनुसार मिली जानकारी के माध्यम से बनाई गई है। लोकल रेटिन इसकी पुष्टि नहीं करता है। ओके, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सॉल्ट नमक इसमें क्षमता होती है कि ये नकारात्मक ऊर्जा को ना अपने अंदर खींच लेता है। बहुत सारे लोग ना नमक से नजर उतारते हैं क्योंकि जो भी नजर नेगेटिविटी रहती है नमक अपने अंदर खींच लेता है। तो वैसे ही आज मैं आपको एक यूज बता रही हूँ रॉक सॉल्ट का। मेरे हाथ में है ये रॉक सॉल्ट के 2 पीसेस। अब इसका क्या यूज करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बेडरूम में जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होता है ये कपल की डायरेक्शन होती है, कपल की दिशा होती है। यहाँ पर आप कुछ भी करेंगे तो लव को अट्रैक्ट करता है। तो आपको क्या करना है, एक कांच के बोल में आपको 2 ऐसे रॉक सॉल्ट सेंधा नमक के ऐसे 2 आपको ऐसे पीसेस लेने हैं और उस बोल में डाल लेना है। फिर उस बोल को अपने दोनों हाथों के बीच में रख के एक इंटेंशन डालना है कि हस्बैंड वाइफ में हमारे बीच में जो भी नेगेटिव एनर्जी जा रही है वो इस नमक ने अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया है। हमारे जो भी झगड़े हो रहे हैं, जो भी परेशानियां हैं, लगातार जो प्रॉब्लम्स चल रही है वो सब कुछ इस नमक ने अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया है। देन फिर इस बोल को आपको साउथ वेस्ट कॉर्नर में प्लेस कर देना है। 10 दिनों तक ये कटोरी को आप वही रहने दीजिए। 10 डेज के बाद आप इस सॉल्ट को, ये दोनों सॉल्ट को फ्लश कर दीजिए वॉशरूम में। देन फिर से उस बोल को अच्छे से क्लीन कर लीजिए और ये वापस से आपको फ्रेश 2 ऐसे सेंधा नमक के ऐसे 2 पीसेस लेकर फिर से आपको उस बोल में डाल लेना है। वही सेम इंटेंशन डाल के रख दीजिए। कहने का मतलब ये है कि इसको आपको हर 10 डेज में रिपीट करना है। आप 3 से 4 बार करेंगे आपको खुद में ऐसा लगेगा कि जो परेशानियां थी वो आपको फील होगा कि यार सब खत्म हो रहा है। आपका जो स्ट्रेस था, आपका जो एक इमोशनल नेगेटिव इमोशंस थे वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है जो आपको करनी चाहिए।